भारतीय फाश्त कयादत जान ले के कत्लेआम और लोगों को दबाने से मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं। अक्वामे मुतहेदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात पर अमल से तनाज़ा कश्मीर का हल मुमकिन होगा। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के लिए मुतहद हैं। कश्मीर काज के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगी। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ का कहना है कि भारतीय फाश्त क़यादत जान ले के कत्लेआम और लोगों को दबाने से मसला कश्मीर हल मुमकिन नहीं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाकया पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से तनाज़ा कश्मीर के हवाले से खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने भी शिरकत की। सेमिनार के दौरान खिताब करते हुए राहिल शरीफ ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर के हवाले से शुरका से खिताब का मौका मिलना अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। मसला कश्मीर हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के दिल के करीब है, क्योंकि हम आगाज़ से ही इस जद्दोजहद के मुहरकात से आगाह हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों की तकालीफ से गवाह हैं। भारतीय फाश्त क़यादत जान ले के कत्लेआम और कश्मीरियों को दबाने से मसला कश्मीर का हल मुमकिन नहीं। अक्वामे मुतहेदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात पर अमल से तनाज़ा कश्मीर का हल मुमकिन होगा। मुतहद बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर तस्लीम किया गया है, इंशाल्लाह कश्मीर काज के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अपनी सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। अक़वामे आलम से अपील है कि वो कदम बढ़ाएं और मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम और हिंदुस्तान में मुसलमानों के कत्लेआम को रोकने के लिए हंगामी इकदाम करें। अक्वामे मुतहेदा को कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए।